हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्पिनिंग व्हील्स। होप यू ऑल आर गुड। आज आपके लिए लेके आए हैं हाइराइडर का सीएनजी वेरिएंट। सीएनजी में हाइराइडर सिर्फ दो ही ऑप्शंस में आती है, एक तो हो गया इसका एससीएनजी वेरिएंट और दूसरा हो गया इसका जीसीएनजी वेरिएंट। और हमारे पास आज जो वेरिएंट है वो है इसका एससीएनजी, जिसका एक्सशोरूम प्राइस रहने वाला है 13,56,000 और इसका ऑन रोड प्राइस फरीदाबाद में रहने वाला है 15,32,000। और हम आए हुए थे आज 36 टोयोटा पे। सेल्स पर्सन के नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो टोयोटा के प्रोडक्ट के बारे में तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, और फ्रंट में यहाँ पे आपको मिल जाता है टोयोटा का लोगो और यहाँ पे पूरी पियानो ब्लैक फिनिश विद क्रोम एलिमेंट, और नीचे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल मिल जाती है। और अब बात करते हैं हेडलाइट के सेटअप की, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको हेलोजन में हाई बीम एंड लो बीम इसके हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मिल जाते हैं एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर्स विद डीआरएल। एक बार मैं आपको लाइट्स ऑन करके भी दिखा दूंगा। ये मैंने ऑन किया है इसके डीआरएल्स, तो एक बार आप डीआरएल्स का लुक देख सकते हैं। और उसके अलावा बाद आप ये देख सकते हैं ये इसकी हेडलाइट्स ऑन की है, ये लो बीम और ये हाई बीम। और एक बार मैं आपको इसके टर्न ऑन इंडिकेटर्स का भी लुक दिखा देता हूँ। अब इसका साइड प्रोफाइल चेकआउट करते हैं और बात करेंगे डायमेंशन की, तो आपको लेंथ मिल जाती है 4365 mm की, विड्थ मिल जाती है 1795 mm की, और हाइट मिलती है 1645 mm की, और व्हील बेस मिलता है बहुत ही अच्छा 2600 mm का। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको वो इसमें मिल जाती है 210 mm की। और टायर साइज की बात करें तो टायर साइज आपको इसके अंदर मिलता है 215/60 R17, यानी 17 inches का आपको इसमें टायर मिल जाता है, जो कि स्टील रिम्स के साथ आता है। और व्हील कवर्स जो है इसके साथ ही आते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में। व्हील आर्च से लेके और व्हील बेस तक पूरा आपको क्लैडिंग मिल जाती है। और यहाँ आपको मिल जाता है ये साइड व्यू मिरर, इस पर आपको टर्न ऑन इंडिकेटर की लाइट भी मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, और मैं आपको इसकी एक बार की भी दिखा देता हूँ। तो इस टाइप की इसकी की ऑफर होती है, इसमें लॉक एंड अनलॉक दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो कोई रूफ रेल्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ आपको एक क्वार्टर ग्लास भी अवेलेबल हो जाता है। और अब चलते हैं कार की रियर प्रोफाइल की तरफ। अब इस कार का रियर प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पॉइलर, ये हो गई हाई माउंट स्टॉप लाइट, और ये मिल जाता है आपको डिफॉगर, यहाँ पे मिल जाती है सीएनजी की बैजिंग, और यहाँ पे आपको मिलता है टोयोटा का लोगो, और पूरी यहाँ पे आपको सिल्वर साटन फिनिश मिलती है। और इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाती है कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप, और उसके नीचे तो यहाँ पे आपको मिलता है इंडिकेटर, ये हो गया रिवर्स की पार्किंग लाइट, और ये हो गया रिफ्लेक्टर। अब इसका एक बारी बूट ओपन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि सीएनजी के साथ कैसा स्पेस ये ऑफर करती है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इस बटन से मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ, इससे मैं इसको लॉक कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपको मिल जाती है ये नंबर प्लेट के ऊपर की लाइट्स। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कैसा बूट स्पेस इसका रहने वाला है, अच्छा खासा सामान आ जाएगा आपका सीएनजी के साथ। यहाँ पर भी आप छोटे मोटे बैग्स रख सकते हैं और यहाँ पर भी, और स्पेस आप देख ही सकते हैं वीडियो में, होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्पेस। तो सीएनजी के साथ ये काफ़ी अच्छा स्पेस ऑफर कर देती है। और एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे इसके सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट, और काफ़ी नीटली ये प्लेस किया गया है ताकि दिखे भी ना कि बूट में इसमें सीएनजी का सिलेंडर प्लेस्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा आपको टूल किट का पोर्शन मिल जाता है, और उसके अलावा उधर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको जो है एक बूट लैम्प भी अवेलेबल हो जाती है, और यहाँ पे आपको एक 12 volt का सॉकेट भी मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका ये स्पेयर व्हील। अब मैं आपको इसके एक बार टेल लैम्प का सेटअप भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पार्किंग लाइट्स ऑन की है, तो आप पीछे का एक बार लुक चेकआउट कर सकते हैं, और ये मैंने ब्रेक प्रेस की है, तो ओवरऑल लुक एक बार ये आप देख सकते हैं लाइट्स का। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है इसका सीएनजी एंड पेट्रोल का फ्यूल फिलर कैप, और ये हो गया आपका पेट्रोल का, ये सीएनजी का। और पेट्रोल की कैपेसिटी की बात करूँ तो वो मिलती है आपको 45 liters की, और सीएनजी की मिलती है अराउंड 55 liters की, तो अराउंड 8 to 9 kg जो है आपकी इसमें सीएनजी आ जाएगी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर ये फ्यूल फिलर कैप जो है प्रॉपरली बंद नहीं होगा तो कार आपकी जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का के सीरीज इंजन 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसके पेट्रोल की पावर की बात करें तो वो प्रोड्यूस करता है 100 PS एट 6000 RPM एंड 136 Nm का टॉर्क एट 4400 RPM। और वहीं सीएनजी की पावर की बात करें तो वो मिलती है आपको इसमें 87.8 PS एट 5500 RPM एंड 125 Nm का टॉर्क एट 4200 RPM। और वहीं बात करूँ इसमें माइलेज की, तो आपको इसमें पेट्रोल में माइलेज मिलती है अराउंड 21.2 kmpl की, और सीएनजी में मिलती है 26.6 km/kg, जैसा कंपनी क्लेम करती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और देखते हैं कैसा स्पेस ये ऑफर करती है।
लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखेंगे, तो आप ये देखिए कितने एंगल पे इसका डोर ओपन होता है, तो आप आराम से इजीली एंट्री कर सकते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं इसका डोर ट्रिम, तो यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है, चारों पावर विंडोज़ मिल जाती है, और जो इसकी ये ड्राइवर साइड वाली विंडो है ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है, और ये ही सिर्फ इल्यूमिनेटेड रहेगी। और ये मिल जाता है डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए, पावर विंडोज़ को लॉक अनलॉक करने के लिए, साइड व्यू मिरर्स को फोल्ड करने के लिए, और ये हो गया उनको एडजस्ट करने के लिए, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, और ये सिल्वर सटन फिनिश। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 1 लीटर की बॉटल रखने का स्पेस, और यहाँ पे आप छोटा मोटा पेपर वर्क वगैरह रख सकते हैं। और अब बात करेंगे इसके सीट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं फैब्रिक अपॉलिसी में आपको ये सीट ऑफर होती है, और काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल और काफ़ी चौड़ी सी सीट लग रही है। और इसमें एडजस्टमेंट की बात करूँ तो आपको इसमें जो है रिक्लाइनिंग की, हाइट इंक्रीज करने की और स्लाइडिंग, तीनों ही एडजस्टमेंट मिल जाती है। एक बार मैं आपको इसमें बैठ के भी दिखा देता हूँ कि कैसा स्पेस रहने वाला है। तो 5'11" मेरी हाइट है, तो उसके हिसाब से पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ सीट को। एक सेकंड रुकिए आप, तो ये मैंने 5'11" के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। तो आप देखिए अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और काफ़ी कंफर्टेबल सी ये सीट लग रही है मुझे। और यहाँ आप हेडरूम देखेंगे तो हेडरूम भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है इसके अंदर। और अब चलते हैं इसकी रियर सीट की तरफ और देखते हैं कैसा स्पेस रहने वाला है पीछे की तरफ। तो आगे वाली सीट जो है मैंने वो 5'11" के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी, तो आप यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा मुझे नी रूम मिल जाता है, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जैसा आप देख भी रहोगे वीडियो में। और एक बार मैं आपको यहाँ बैठ के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि तीन बंदे जो हैं इसके अंदर आराम से बैठ जाएंगे, बस बीच वाले बंदे को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम्प भी है, और ये जो पीछे के एसी के वेंट्स हैं ये थोड़ा उसके लेग में थोड़ी सी, ये आपको थोड़ा मतलब अड़ जाएंगे आपके लेग में यहाँ पे अगर मैं बैठूँ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत करने वाले हैं जैसा आप देख रहे हैं। अदरवाइज तीन बंदे इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और एक और चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पीछे तीनों ही बंदों के लिए आपको जो है हेडरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ बीच में आप आर्मरेस्ट देख सकते हैं, तो इसके अंदर आपको ट्विन कप होल्डर का स्पेस भी अवेलेबल हो जाता है। और एक और चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ भी मेरे पास रीडिंग लैंप है, और उस तरफ भी है, कैमरे में शायद मुश्किल होगा ना, हाँ दिख गया, लेकिन उस तरफ भी रीडिंग लैंप है। और यहाँ आप देखेंगे तो एसी वेंट का जो स्पीड है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके नीचे आपको जो है दो सॉकेट भी अवेलेबल हो जाते हैं, और यहाँ पर मोबाइल रखने का स्पेस भी मिल जाता है, और यहाँ सीट के पीछे भी आपको सीट पॉकेट्स मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी आप आराम से अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी रियर की सीट्स हैं वो आप 60-40 में स्प्लिट भी कर सकते हैं, और उनका रिक्लाइन एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में, ये दोनों सीट्स ही जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। आ चुके हैं भाई कार के अंदर, तो ओवरऑल डैशबोर्ड लुक आप देख सकते हैं एक बारी, यहाँ पे आपको जो है ये सिल्वर सटन फिनिश मिलती है, और बाकी पूरा जो है ब्लैक में ही आपका पूरा डैशबोर्ड का लुक, और यहाँ पे आपको जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और अब बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो आपको इसके अंदर जो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग अवेलेबल नहीं होता, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश सी मिल जाती है, सिल्वर सटन फिनिश। और बात करें कुछ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं FM AM ब्लूटूथ वगैरह के कंट्रोल्स, ये ऊपर से वॉल्यूम अप डाउन, ये ट्रैक चेंज करने के लिए, ये म्यूट करने के लिए। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाते हैं कॉलिंग कंट्रोल्स और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। और भाई यहाँ आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, तो CNG वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट अवेलेबल हो जाती हैं। और उसके बाद जो है आप यहां देखें तो यहां मिलते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल्स, और आपको इस तरफ मिल जाते हैं आपका पूरा हेडलाइट का स्टॉक, यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन, और ये हो गया आपका हेडलाइट लेवलर, और यहाँ नीचे आपको मिल जाता है बोनट ओपन करने के लिए, और ये जो है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। और अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये हो गया आपका RPM का मीटर, और यहाँ आपको मिल जाता है ये स्पीडोमीटर, 220 की स्पीड मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे तो ये हो गया आपका पेट्रोल का गेज, और ये हो गया आपका CNG का गेज। और मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो इस बटन को प्रेस करते हैं, तो अभी तो देखिए आपको दिखाया है मोड रेशो की, कितना कार CNG में रन हुई है, कितना पेट्रोल पे। इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखिए इसमें CNG दिखा रहा है कितनी है, और फिर प्रेस किया मैंने आउटसाइड टेम्परेचर भी, टोटल किलोमीटर्स भी, और ये आपको ड्राइविंग टाइम भी दिखा रहा है, अभी आपको क्लॉक भी दिखा रहा है ये, और मोशन और ये टॉक वगैरह और एक्सेलेरेशन ब्रेक, तो ये सारी फीचर्स जो हैं इसके अंदर ये अवेलेबल हो जाते हैं। और ट्रिप ए ट्रिप बी आप देख सकते हैं, नीचे ट्रिप ए चेंज हो रहा है, ट्रिप बी चेंज हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिलता है
7 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 4 स्पीकर के सेटअप के साथ आता है और FM, AM, ब्लूटूथ, एप्पल एंड एंड्रॉयड कारप्ले सबकी सपोर्ट इसमें आपको अवेलेबल हो जाती है। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये हो गए आपके AC के वेंट्स। आप यहाँ देखिए काफी प्रीमियम सी आपको दिखेगी। ये हो गया आपका हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ नीचे आ जाते हैं तो यहाँ नीचे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। इससे आप जो है स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं फैन की, टेम्परेचर वगैरह, AC ऑफ और ये ऑटो का ऑप्शन। और नीचे आप देखेंगे तो उसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको ये ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्विच जो CNG से पेट्रोल पे और पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट कर देगा कार को। यहाँ मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे मिल जाता है USB का सॉकेट। और नीचे भी आपको अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ मिल जाता है आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब। उसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको की वगैरह रखने के लिए स्पेस और यहाँ पे ट्विन कप होल्डर का स्पेस। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक। और उसके अलावा यहाँ देखेंगे आर्मरेस्ट, तो ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है और ये भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज के साथ आता है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में। और अब चलते हैं यहाँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको जो है वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है आपको 2 लाइट्स मिल जाती है हेलोजन में। और ये हो गया आपका रियर व्यू जिसमें आपको नाइट मोड अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। और उसके नीचे मैं देखूं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसमें जो है डेप्थ मिल जाएगी, तो इसमें भी ठीक ठाक सामान आपका आ जाएगा। और अब बात करेंगे हम इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको इसमें मिलते हैं डुअल में फ्रंट एयरबैग्स, ड्राइवर प्लस को ड्राइवर के लिए ABS प्लस EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आइसोफिक चाइल्ड सीट रीस्टेंट सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर्स। और एक बार जो है मैं आपको इसकी रियर पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ कैसी है। तो ये मैंने रिवर्स गियर लगाया, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की। तो फ्रेंड्स, ये था हाइराइडर के CNG वेरिएंट का डिटेल वॉक अराउंड वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल स्पिनिंग व्हील्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।